क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने लैपटॉप को वाईफाई हॉटस्पॉट कैसे बनाते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। सबसे पहले तो सवाल ये है कि अपने लैपटॉप को वाईफाई हॉटस्पॉट क्यों बनाएं? इसकी क्या जरूरत है? देखिए, अक्सर हमारे घरों में एक लैपटॉप पर इंटरनेट कनेक्शन होता है। अगर हम चाहें तो इस लैपटॉप को एक वाईफाई हॉटस्पॉट बना सकते हैं और फिर बाकी डिवाइसेस इसके कनेक्शन का इस्तेमाल करके इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। पर ये कैसे होता है? आजकल हर लैपटॉप वाईफाई एनेबल्ड होता है और इसके अंदर एक वायरलेस नेटवर्क कार्ड या अडैप्टर होता है। जब आप इसे वाईफाई हॉटस्पॉट बनाते हैं तो आप इसका नेटवर्क कार्ड या अडैप्टर इस्तेमाल करते हैं और ये एक राउटर की तरह बन जाता है। फिर आपको अलग राउटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए बिना अपना खुद का नेटवर्क बनाकर इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर सकते हैं। अगर आपके घर में 3-4 कमरे हैं तो आपने अक्सर ये अनुभव किया होगा कि एक कमरे में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होता है और दूसरे में सिग्नल ठीक ठाक और बाकी कमरों में सिग्नल बहुत खराब होता है। ऐसे में आप अपने लैपटॉप पर वाईफाई हॉटस्पॉट बनाकर दूर बैठे अच्छा सिग्नल पा सकते हैं और सब डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट या कैफे चलाते हैं तो आप फ्री वाईफाई ग्राहकों को दे सकते हैं। लोग आपके कैफे में खाते पीते हुए इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, पर वाईफाई हॉटस्पॉट बनाकर आप राउटर पर बिना खर्चा किए उन्हें इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं कि अपने लैपटॉप को एक वाईफाई हॉटस्पॉट कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पीसी में विंडोज 8.1 है। सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप कीजिए mywifirouter.me। ध्यान रहे यहाँ .com नहीं .me है। आप इस डोमेन नेम पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये थोड़ी अलग है। अब यहाँ पर देखिए हम इस वेबसाइट पर आ गए। आप यहाँ पर ये ऊपर डाउनलोड है उस पर क्लिक कर दीजिए और अब एक नया पेज खुल गया। यहाँ पर ये नीले रंग का डाउनलोड का बटन है उस पर क्लिक कर देते हैं और अब डाउनलोड्स के फोल्डर में इसे सेव कर देते हैं। सेव के बटन पर क्लिक किया और अब ये देखिए ये exe फाइल डाउनलोड हो रही है। ये लगभग 16-17 MB की फाइल है, तो अगर आपका कनेक्शन स्लो है आपको थोड़ा समय लग सकता है। अब ये फाइल डाउनलोड हो गई, हम इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर देते हैं और अब इंस्टॉलेशन का फोल्डर चूज कर लेते हैं, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देते हैं और अब ये माई वाईफाई राउटर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो रहा है और अब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पर रन माई वाईफाई राउटर पर क्लिक हुआ है तो हम फिनिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं और अब ये देखिए ये माई वाईफाई राउटर जो वर्जन 3 है ये अपने आप खुल गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट उसने आपके कनेक्शन को एक नाम दे दिया है और एक उसने अपने आप पासवर्ड चुन लिया है। आप चाहें तो आप इसी समय अपने हॉटस्पॉट कनेक्शन का नाम और पासवर्ड बदल सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये देखिए, डीएक्टिवेट फ्री वाईफाई का जो हरे रंग का बटन है उस पर क्लिक कर दिया और अब आप यहाँ पर अपना मन पसंद नाम चुन सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर टेस्ट लिख देती हूँ और पासवर्ड जो है वो भी बदल देती हूँ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ABCD1234 और फिर एक्टिवेट फ्री वाईफाई पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखिए ये हमने अपना जो कनेक्शन था उसका नाम और पासवर्ड सक्सेसफुली बदल दिया। अब अगर आप किसी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उन्हें ये वाला टेस्ट और उसका पासवर्ड देना पड़ेगा क्योंकि ये कनेक्शन अब पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। यहाँ देखिए ये जो है ये प्राइवेट कनेक्शन है। अगर आप इस बटन पर इधर क्लिक करते हैं तो ये कनेक्शन पब्लिक कनेक्शन हो जाता है, जिसका मतलब कि कोई भी इसे बिना पासवर्ड के एक्सेस कर सकता है और इससे कनेक्ट कर सकता है। लेकिन मैं अपने
हॉटस्पॉट को प्राइवेट रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कोई भी आता जाता मेरे कनेक्शन से कनेक्ट कर पाए, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर क्लिक करके प्राइवेट ही रहने देने वाली हूँ। अब आइए अपने फ़ोन को इस हॉटस्पॉट कनेक्शन से कनेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कनेक्शन मैनेजमेंट है और यहाँ पर फिलहाल कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, बोल रहा है नो डिवाइस कनेक्टेड। अब हम यहाँ पर एक डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये है मेरा फ़ोन, यहाँ मैं ऊपर गई, ये देखिए ये मेरा वाईफाई जो है ऑन है और यहाँ पर मेरा मोबाइल डेटा भी ऑन है। तो पहले तो मैं अपने मोबाइल डेटा को ऑफ कर देती हूँ ताकि ये सिर्फ वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट हो। फिर यहाँ पर गए, इस पर क्लिक किया, अब देखिए ये वाईफाई कनेक्शंस जो हैं, जो रेंज में हैं, वो दिखना शुरू हो गए। हम एक बार इसे ऑफ कर देते हैं और इसे वापस से ऑन करते हैं। अब देखिए ये जब मैंने दोबारा से कनेक्ट किया तो ये टेस्ट मुझे दिखाना शुरू हो गया। अभी अभी हमने टेस्ट नाम का एक हॉटस्पॉट क्रिएट किया था, तो अगर हमें इस पर लॉगिन करना है तो ये देखिए इधर क्लिक किया और ये बोल रहा है सिग्नल स्ट्रेंथ वेरी स्ट्रॉन्ग और ये सिक्योरिटी बता रहा है, तो हम कनेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। वो ऑथेंटिकेट कर रहा है। अब हमें यहाँ पर इसके लिए एक पासवर्ड डालना होगा, तो जो पासवर्ड हमने अपनी स्क्रीन पर एंटर किया था उसे हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ए बी यहाँ पर शो पासवर्ड कर देती हूँ ताकि आसानी से दिख सके। सी डी 1 2 3 4 और अब कनेक्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अब ये जो टेस्ट है ये इस कनेक्शन से हमारा मोबाइल कनेक्टेड हो गया, तो हमने सक्सेसफुली इस हॉटस्पॉट में लॉगिन कर लिया है। और यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये अब दिखा रहा है कि ये है वो एंड्रॉयड फ़ोन और ये इसका आईपी है। तो हमने अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं और बच्चों के साथ वीडियोस शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने इसी वाईफाई हॉटस्पॉट से शेयर कर सकते हैं उन वीडियोस को। वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर है माय वीडियोस, तो ये माय वीडियोस पर गए और अब वो बोल रहा है कि आप वाईफाई द्वारा वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट उसने ये अपने आप पाथ चुन लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ये फोल्डर को बदल सकते हैं। अगर आप ब्राउज पर क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से जो है आपके सब फोल्डर्स खुल जाएंगे और आप चुन सकते हैं कि आपको किस फोल्डर से वीडियोस को शेयर करना है, लेकिन फिलहाल मैं वीडियोस ही रहने देने वाली हूँ और ओके पर मैं क्लिक कर देती हूँ और स्टार्ट वीडियो शेयरिंग के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए आप जो है अपने QR कोड को स्कैन करके अपने वीडियो फोल्डर से मोबाइल पर वीडियोस देख सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ये मेरे मोबाइल फ़ोन में एक QR रीडर है तो मैं उस पर क्लिक करके उसे खोल लेती हूँ। और आपको शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पर एक QR कोड है और मैंने उसे स्कैन किया, वो बोल रहा है ओपन URL, तो मैं ओके पर क्लिक कर देती हूँ। और ये देखिए ये सारे के सारे वीडियोस जो मेरे लैपटॉप के वीडियो फोल्डर में हैं वो यहाँ पर आ गए। मैं चाहूँ तो मैं उन पर क्लिक करके और उन्हें अपने मोबाइल पर प्ले कर सकती हूँ। चलिए किसी एक को टेस्ट कर लेते हैं, मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पर क्लिक किया और ये देखिए ये वीडियो चल पड़ा। इसको पॉज कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने लैपटॉप के जो वीडियोस हैं वो किसी फोन पर भी शेयर कर सकते हैं इस वाईफाई हॉटस्पॉट द्वारा। ये देखिए बोल रहा है शेयरिंग सक्सेसफुल और आप चाहें तो इस बटन पर क्लिक करके वीडियो शेयरिंग को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे डिसेबल कर देते हैं। अगर आप सिर्फ एक डिवाइस का इंटरनेट ब्लॉक करना चाहते हैं लेकिन बाकी डिवाइसेस को इंटरनेट एक्सेस देना चाहते हैं तो ये कैसे किया जाए। यहाँ देखिए ये फ्रेंड्स के साथ में एक है ब्लैक लिस्ट,
अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिलहाल ये खाली है। यहाँ पर गए, आप अगर एक से अधिक डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो वो सब यहाँ पर एक के बाद एक नीचे आ जाएंगे। तो हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं और एक डब्बा सा खुल जाता है। आप चाहें तो आप यहाँ पर ऐड टू ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, और अगर आप इस डिवाइस को ब्लैकलिस्ट में डालते हैं तो फिर ये डिवाइस आपके हॉटस्पॉट पर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। चलिए यहाँ पर ऐड टू ब्लैकलिस्ट किया और वो पूछ रहा है कि क्या आप श्योर हैं कि आप इस डिवाइस को ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद ये डिवाइस आपके हॉटस्पॉट को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए वापस से बोल रहा है नो डिवाइस कनेक्टेड, और अब ब्लैकलिस्ट में ये एक डिवाइस आ गया। अगर आप इसे ब्लैकलिस्ट से हटाना चाहते हैं तो बस यहाँ ये डिलीट पर क्लिक कर दीजिए और ये ब्लैकलिस्ट खाली हो गया और ये वापस से फ्रेंड लिस्ट में आ गया। बहुत ही आसान है, बस कुछ ही मिनटों में आप अपने लैपटॉप को एक वाईफाई हॉटस्पॉट बना सकते हैं और अपने आसपास के सभी डिवाइसेस को इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं। अब आपने सीख लिया है कि अपने लैपटॉप को वाईफाई हॉटस्पॉट कैसे बनाते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।